रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं बल्कि मौजूदा हालात इसकी बानगी कर रहे हैं। जंग में पश्चिमी मुल्क पहले से ही यूक्रेन की ढाल बने हुए हैं। अब रूस के प्रचंड तेवर के बाद यूरोपीय देशों में खलबली बढ़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि फ्रांस के बाद एक और नेटो का सबसे बड़ा सदस्य देश अब खुले तौर पर यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है, जिसके चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच आने वालों को खतरनाक धमकी दे डाली है। रूस ने ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर यूक्रेन की ओर से रूस पर हमला करने के लिए ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो रूस यूक्रेन और उसके बाहर ब्रिटिश सैन्य सुविधाओं और उपकरणों पर हमला कर मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से रूस में ब्रिटिश राजदूत निगेल केसी को ये चेतावनी दी गई है। रूस ने कहा कि ब्रिटिश राजदूत को औपचारिक विरोध के लिए बुलाया गया, जब ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन ने कहा था कि रूस के खिलाफ ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन खुद तय करेगा। रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देशों की ओर से दिए गए हथियारों को रूसी राष्ट्रपति पुतिन लाल रेखा के तौर पर मानते हैं। यही वजह है कि पुतिन पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद न करने की चेतावनी देते रहे हैं। बावजूद इसके अमेरिका समेत यूरोपीय देश यूक्रेन को भारी भरकम मदद पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन ने कीव का दौरा कर कहा था कि जिस तरह रूस यूक्रेन के अंदर हमले कर रहा है, ठीक वैसे ही यूक्रेन को भी अपनी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस पर पलटवार करने का पूरा हक है। इस पर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कैमरन का बयान लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को कीव में ट्रांसफर करते समय ब्रिटेन के अपने पहले दिए गए आश्वासनों का सीधे तौर पर खंडन करता है, जिसमें उसने कहा था कि किसी भी हालात में ब्रिटिश सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल रूसी इलाकों में नहीं किया जाएगा। ऐसे में डेविड कैमरन ने अपने देश को संघर्ष में एक पक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। माना जा रहा है कि रूस कैमरन के बयानों को यूक्रेन के पक्ष में और सैन्य अभियानों में ब्रिटेन की बढ़ती भागीदारी के तौर पर देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर ब्रिटेन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें ब्रिटेन ने इस बात से इनकार किया है कि ब्रिटिश राजदूत को समन किया गया था। ब्रिटेन ने बताया कि रूस में ब्रिटिश राजदूत ने एक राजनयिक बैठक के लिए रूसी अधिकारियों से मुलाकात की। इसमें उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमले पर कीव के लिए ब्रिटिश समर्थन को दोहराया। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अंदेशा जताया है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन पर अपने हमलों को और तेज कर पश्चिमी मदद को नाकाफी बता सकता है। गौरतलब है कि यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस ने परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभियान की योजना बनाई है। रूस का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ टिप्पणियां की थी। इसके अलावा रूसी बॉर्डर पर नेटो देशों की चल रही सबसे बड़ी ड्रिल के बाद रूस ने ये ऐलान किया है।